गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज फिर बहुत दिन बाद कैमरा उठाया है। अभी हो क्या रहा था, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही थी, तो मैं अभी कहीं निकला भी नहीं था बारिश में। और अगर बारिश में निकलता भी तब भी GoPro से शूट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास इसका भी वाटरप्रूफ केस है नहीं। अगर मैं इसको माइक के साथ निकलता तो इसमें पानी कुछ ज़्यादा और ये बेकार जाता। तो अभी फाइनली 4 दिन के बाद मौसम खुल गया है। और आज जो धूप हो रही है ना, अगर हेलमेट लगा के 10-15 मिनट खड़ा हो जाए धूप में ना, तो मतलब ऐसी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि बंदा बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन जब बाइक में चल रहे हैं तब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो जा रहा है। तो अभी बहुत दिन बाद मैं अब निकला हूँ, थोड़ा काम था। और यार घर में करे भी क्या, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ तो बंद है, ट्रैवल अभी कर नहीं सकते। और ऑफिस का भी ऐसा हो रहा है, हफ्ते में 1 या 2 दिन जाना हो रहा है, वो भी 2-4 घंटे के लिए मुश्किल से। तो अभी घर में भी यार कितना टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। कहीं जा नहीं सकते, दोस्त के यहाँ भी नहीं जा सकते, अभी ऐसे में जाने का दिल भी नहीं है कहीं। अभी देखते हैं जब न्यू गाइडलाइन जारी होगी तो देखते हैं अभी किस किस चीज़ में कितनी छूट मिलेगी, ट्रैवल में कितनी छूट मिलेगी। छूट मिलती तो अपने लोग भी इधर का लोकल का थोड़ा घूम लेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो रखे हैं। कहीं भी जाओ मतलब पुलिस रोक ले रही है, पूछ ले रही है, रीज़न पूछ रही है क्यों जा रहे हो, क्या काम है, रीज़न बताओ। तो अभी तो यार मतलब निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मार्च 2020 से और अब तक लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी घर में भी कितना बैठेंगे। जल्दी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो और सब कुछ पहले की तरह थोड़ा नॉर्मल हो जाए, पहले की तरह भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो ही जाए। वैक्सीन लगी रही हैं, वैक्सीन जल्दी जल्दी लगें और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो, थोड़ी छूट मिले जिससे कि हम थोड़ा ट्रैवल कर पाएँ। तो यार सेफ्टी को देखते हुए भी मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रैवल खुल जाए जिससे कि यार बोर होने से तो बचें। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर ऑफिस का काम इतना होगा कि छुट्टी नहीं ले पाएंगे, और छुट्टी लेंगे भी तो पहले बताना पड़ता है, उसके बाद 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है। और अभी तो ऐसा है कि अगर मान लो 1 हफ्ते तक ऑफिस भी नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम इतना है नहीं। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस खुल रहा है, उसमें भी 2 या 3 घंटे का काम होता है। तो अगर ट्रैवल में छूट मिल गई तो अपने लोग ट्रैवल कर लेंगे और छुट्टी तो अपने को मिल ही जानी है, क्योंकि अभी इतना काम है नहीं। और बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो इतनी छुट्टी मिल नहीं पाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कोई न्यू गाइडलाइन आए और अपने को कुछ छूट मिले तो इधर उधर ट्रैवल करते हैं। तो अभी जो बारिश हुई थी 3 दिन, इतनी हैवी वाली बारिश हुई थी जो अपने उत्तराखंड में, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, कहीं का तो इतनी हैवी बारिश हुई कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गए और मतलब बाढ़ आ गए। जो वहाँ के छोटे मोटे पुल थे नदी के वो बह गए। अभी हमारे आसपास की जितनी नदी थी ना उसमें इतना उफान था पानी का, बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 दिन पानी रहा। और अभी मैंने उत्तराखंड में बहुत सारी वीडियो देखी थी, वहाँ तो कई जगह नदियों से मतलब जो छोटे छोटे पुल थे वो बह गए, कहीं लैंडस्लाइड इतने हो गए बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं तो मतलब बादल फटा है। तो अभी ये 3-4 दिन बहुत ही हैवी बारिश रही है। और अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। अपना यार एक काम था वो हो जाए, कल भी आया था, कल भी नहीं हुआ, इस बार मैं सोच रहा हूँ यार हो जाए उसके बाद तो फिर मैं घर को निकल जाऊँगा। नहीं हुआ तब भी निकल जाऊँगा, क्या कर सकते हैं यार। मैं कल भी आया था, कल भी नहीं हुआ वो काम, और आज फिर से जा रहा हूँ, तो अपने को काम फटाफट करना है। उसके बाद एक और काम ऑफिस का वो करना है, उसके बाद तो फिर अपने लोग घर चले जाएंगे। जब भी मेरे पास से बाइक निकलती है तो उनका जो रिएक्शन होता है ना वो देखने लायक होता है, क्योंकि मैं सेटअप लगा के चल रहा हूँ और ऐसा मतलब किसी ने यहाँ पर लोकल में देखा नहीं है। तो जब वो मेरे को देखते हैं तो मतलब देखते रहते हैं यार ये क्या है, मतलब हेलमेट में कुछ मतलब कैमरा जैसा फिट है, तो मतलब वो भी सोचते होंगे यार, क्योंकि यहाँ पर लोकल में कोई यूट्यूबर है नहीं और मैंने भी नहीं देखा लोकल में यहाँ निकलते हुए। तो मैं अभी लोकल में ही हूँ तो वो लोग देखते हैं यार ये मतलब क्या सेटअप है। तो जितने मतलब लोग निकलते हैं ना मेरे पास से तो उनका रिएक्शन मतलब देखने लायक होता है।